क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपसे बच के नहीं जाएगा। आपसे कह रहा, अ नॉन मेटल विच कैन फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। एक नॉन मेटल है लेकिन पॉजिटिव आयन बना रही है, वो कौन सी नॉन मेटल है? तो आप देखें, ऑक्सीजन ये नॉन मेटल तो है लेकिन कभी पॉजिटिव आयन नहीं बनाती। अच्छा, नियोन और आर्गन की अगर बात करें तो ये हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, ज़ेनन हुआ, रेडान हुआ, ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनकी शेल्स जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो फिल्ड हैं, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनका तो कोई जिक्र ही नहीं मत करो। इनका तो ना तो पॉजिटिव बनेगा ना निगेटिव बनेगा। रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, एक तो होती है ऑक्साइड, जिसमें आप ऑक्सीजन को माइनस का टू के साथ दिखाते हो, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक होती है पर ऑक्साइड, ये तो ऑक्साइड हो गया, एक होता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में ओ की पावर माइनस का वन, एक होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड इसमें होता है ऑक्सीजन की माइनस का वन अपॉइंट थ्री या माइनस का वन अपॉइंट टू होती है। सुपर ऑक्साइड चलता नहीं है, इसको हटा देते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं, पर ऑक्साइड और ऑक्साइड का समझ लो बस, माइनस का वन अपॉइंट टू शायद चलती है उसकी, ऑक्साइड पर ऑक्साइड ही हो गए। तो इसमें भी आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर मिल जाएगा आपको। कैसे? आप कहते हो ना एच प्लस, कहते हो ना एच प्लस, आर्हीनियस एसिड एच प्लस वाले ही होते हैं, तो एच प्लस की फॉर्मेट में मिल तो रहा आपको, एक नॉन मेटल जो एच प्लस है वो हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं।